हेलो एवरीवन, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो है ऐसे स्टॉक्स को चूज़ कीजिए जिसका जो कैश होल्डिंग्स है या फिर रिजर्व्स है या फिर कैश इक्विवेलेंट्स है उसके कंपेयर में उसका जो मार्केट वैल्यूएशन है काफ़ी कम है, वो एक तरीका है। आज मैं आपको दूसरा बताऊंगा तरीका, वो है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसका बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू। ये भी एक सिंपल तरीका है, कह सकते हैं रिवर्स सिचुएशन है सेकेंड तरीके का, जिस पर्टिकुलर स्टॉक का बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट वैल्यूएशन, नॉट मार्केट प्राइस, ये चीज़ समझिए, नॉट मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यूएशन कम है, वैसे स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके बताए मैंने इन पर्टिकुलर लास्ट तीन वीडियोस में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, जिन इन्वेस्टर्स को वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है विद अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 5 to 10 ईयर्स। बहुत ही सिंपल तरीके है, आपको बैलेंस शीट एनालाइज करना है और उसके बाद समझना है किसके कैश होल्डिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट वैल्यूएशन, किसका बुक वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट वैल्यूएशन। ये दोनों तरीका अपनाइए और सिंपली वैल्यू इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू।